हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। द स्पेशल स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप मौर्य और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटी यूपी से रिलेटेड, यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। अगर आप एक यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बीटी यूपी का ऑफिशियल वेबसाइट, बीटी यूपी यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। देख लीजिए BTEUP.ac.in। आप जब इस वेबसाइट पर आएंगे, लेटेस्ट न्यूज़ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। देखिए, ये रहा सत्र 2021-22 में प्रवेशित छात्र छात्राओं के नामांकन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना। नामांकन की अंतिम तिथि 29/11/2021। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये नोटिस ओपन हो जाएगा। देखिए, आप यहां पर देख पा रहे होंगे प्रेषक सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, सेवा में प्रधानाचार्य या फिर निदेशक, परिषद से संबद्ध समस्त राजकीय अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की संस्थाएं, यानी ये जो नोटिस है ये सभी के लिए है। गवर्नमेंट प्राइवेट एड सभी प्रकार के पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल हैं या फिर डायरेक्टर हैं यानी कि निदेशक हैं, सभी के लिए है और आपके लिए भी है। अगर आप एक यूपी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए, हर एक चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट है नव प्रवेशित छात्र छात्राओं के नामांकन के संबंध में, यानी ये जो अपडेट है ये स्पेशली उनके लिए है जिन्होंने 2021-22 सेशन में पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, ठीक है, उनके एनरोलमेंट फॉर्म भरे जाने से संबंधित है। महोदय, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के माध्यम से नव प्रवेशित छात्र छात्राओं के प्राप्त विवरण के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु परिषद की वेबसाइट www.pteup.ac.in के संस्था लॉगिन पर सत्र 2021-22 में नव प्रवेशित छात्र छात्राओं के नामांकन की प्रक्रिया हेतु लिंक एनरोलमेंट फॉर्म फॉर न्यूली एनरोल्ड स्टूडेंट्स सेशन 2021-22 आज दिनांक 18 नवंबर 2021 के सायं से उपलब्ध कराया जा रहा है। नामांकन की अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट 29 नवंबर 2021 की रात्रि 12 बजे तक निर्धारित की जाती है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नव प्रवेशित छात्र छात्राओं के नामांकन की कार्यवाही निर्धारित समय तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे भवतीय और ये सिग्नेचर देख पा रहे होंगे सुनील कुमार सोनकर सचिव, ठीक है, ये रहा ऑफिशियल नोटिस। देखिए, यहाँ पर ये कहा गया है कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या फिर प्राइवेट एडेड सभी प्रकार के पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल हैं या फिर डायरेक्टर हैं, ठीक है, स्पेशली उनके लिए नोटिस है और आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जब आपका इनरोलमेंट फॉर्म यानी कि नामांकन फॉर्म भरा जाएगा तब आपको इनरोलमेंट नंबर मिलेगा यानी कि नामांकन का नंबर मिलेगा, और वही इनरोलमेंट नंबर आपको हर जगह लगाना होता है जब आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। एग्ज़ाम होने से पहले आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होता है, तब आपको इनरोलमेंट नंबर पता होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा सेमेस्टर एग्ज़ाम रिजल्ट को आप इनरोलमेंट नंबर के थ्रू चेक कर सकते हैं। मतलब कहना यह है कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इनरोलमेंट नंबर। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए, पॉलिटेक्निक, बीटेक या फिर बी किसी भी कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए इनरोलमेंट नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हर एक जगह पर आपको इनरोलमेंट नंबर एंटर करना होता है, ठीक है, इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके कॉलेज में एनरोलमेंट फॉर्म भर गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भरा गया है तो उसकी लास्ट डेट है 29 नवंबर 2021 12 बजे तक, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, इस डेट तक भर जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका फॉर्म भर गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं भरा है तो आप अपने कॉलेज के टीचर्स से कॉन्टैक्ट करते रहिएगा, उनके कॉन्टैक्ट में बने रहिएगा। जब आपका फॉर्म भर जाएगा तब आपको इनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा और वो इनरोलमेंट नंबर काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आई होप स्टूडेंट्स, ये चीज़ें आप समझ के होंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। बी टी यू पी से रिलेटेड, पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।